हेलो एवरीवन, मैं हूँ वर्षा नाथानी। आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है वर्षा नाथानी। आज मैं शेयर करने वाली हूँ एक हेल्दी जूस की रेसिपी। जी हाँ, ये जो हेल्दी जूस है वो बहुत ज़्यादा मैजिकल है। जी हाँ, ये मैजिकल इसलिए है क्योंकि इसका जो रिजल्ट है वो काफ़ी अच्छा है एंड ये मैं खुद अपने ऊपर ट्राई कर चुकी हूँ। एंड ये जो जूस है वो आपको क्लियर स्किन देगा। जी हाँ, आपने सही सुना, क्लियर स्किन। जी हाँ, हम लोग ऐसे काफ़ी लोग क्लियर स्किन पाने के लिए क्या क्या नहीं करते, सीरम्स लगाते हैं, नाइट क्रीम्स लगाते हैं, फेस मास्क लगाते हैं, फेस स्क्रब करते हैं, यहाँ तक कि अपनी हेल्दी लाइफस्टाइल भी जीते हैं। यानी कि कहीं ना कहीं हमारे चेहरे पर डार्क स्पॉट्स होना, पिगमेंटेशन होना, इस वजह से भी काफ़ी हद तक हमारी जो क्लियर स्किन की जो हमारी डिज़ायर है वो पूरी नहीं हो पाती। मैंने इससे पहले मैंने काफ़ी हद तक मैंने यहाँ पे मैं दिखा दूंगी मैंने कितने सीरम्स यूज़ किए। मैंने खूब पैसा बर्बाद किया सीरम्स पे, फेस क्रीम पे, नाइट क्रीम्स पे, या स्क्रब्स हो गए। यहाँ पे आपको सारे प्रोडक्ट्स दिखा दूंगी जो जो मैंने यूज़ किया है। जी हाँ, ये मैंने सब यूज़ किए ताकि मुझे क्लियर स्किन मिल सके, बट जो कि मुझे नहीं मिले। मैंने काफ़ी पैसा बर्बाद किया है क्लियर स्किन पाने के लिए क्योंकि मेरे भी यहाँ पे पिगमेंटेशन है, मार्क्स है, तो मुझे इसको हटाना था। मेरे ऐसे कोई पिंपल वाले मार्क्स नहीं है, मेरे को नहीं यहाँ पे डार्क स्पॉट्स है या पिगमेंटेशन है यहाँ के अराउंड। ये मेरा कहीं ना मुझे इसका कंसर्न था, तो मुझे इनको रिमूव करने था। इसके लिए मैंने खूब पैसा बहाया है। इसके लिए मैंने काफ़ी हद तक लॉरियल पेरिस के, लैक्मी के, या जितने विटामिन सी सीरम्स हो गए या इस तरीके के जो भी सीरम्स हो गए जो कि क्लेम करते हैं कि 10 दिन 15 दिन में आपके मार्क्स हट जाएंगे, मैंने वो सारे सीरम्स यूज़ किए हैं, सारी नाइट क्रीम यूज़ की है, सारी मैंने डे क्रीम यूज़ की है, जो भी हो सकता था मैंने वो सब यूज़ किया। यहाँ तक कि मैंने कोरेक्स का जो स्टेन म्यूसिन होता है वो तक मैंने ये यूज़ किया है, वो भी इसी वजह से ताकि मुझे क्लियर स्किन मिल पाए, बट मेरे कुछ भी नहीं हुआ यहाँ पे। तो मैं आपको एक ऐसी रेसिपी शेयर करने वाली हूँ जूस की, जिससे कि आपकी जो क्लियर स्किन पाने की जो मतलब चाहत है ना वो पूरी हो जाएगी, जो आपकी डिज़ायर है ना क्लियर स्किन पाने की वो पूरी हो जाएगी। एंड इस जूस को आपको ना 1 महीना आराम से पीना है। 1 महीने के अंदर ही आपको अपने मतलब स्किन पर इसके रिजल्ट देखने को मिल जाएंगे। एंड ये जो जूस है उसको बनाना बहुत ज़्यादा आसान है। अगर आपको थोड़ी भी चॉपिंग आती है ना, थोड़ी सब्जियों को चॉपिंग करना, तो ये 5 मिनट का काम है, इससे ज़्यादा काम नहीं है। एंड ये जो हेल्दी जूस है वो आपकी स्किन पे भी काम करेगा, आपने के हेयर्स पे भी काम करेगा, जो आपका हेयर फॉल हो गया या हेयर का टेक्स्चर ड्राई है या इस तरीके का जो भी हम लोग के प्रॉब्लम्स होते हैं ना, वो सबको काफ़ी हद तक सॉल्व करेगा। एंड ये कहीं ना कहीं हमारी बॉडी को डिटॉक्स भी करेगा। डिटॉक्स अगर करेगा तो उससे क्या है, हमारी स्किन पर डायरेक्ट आपको वो रिजल्ट देखने को मिलेगा। आपके पिगमेंटेशन, डार्क स्पॉट्स या आपके फेस पे ग्लो नहीं है, ये सब प्रॉब्लम दूर करेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा वीडियो। एंड सबसे बड़ी बात ये है कि इसको बनाने में सिर्फ 5 से 10 मिनट लगते हैं। एंड इसको कैसे पीना है, क्या करना है, वो मैं आपको पूरा इस वीडियो में बताऊंगी। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा वीडियो। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि इस तरीके का जो कंटेंट है, मेकअप, हैक्स, ट्रिक्स, हेयर स्टाइल या इस तरीके का जो भी हॉल वीडियोज़ हो गई, इस तरीके का जो कंटेंट है आपको टाइम टू टाइम बेसिस पर मिलता रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का वीडियो। सो सबसे पहले बात करते हैं कि इस जूस को कैसे बनाना है। इस जूस को बनाने के लिए आपको यहाँ पे मैं एक वीडियो लगा दूंगी, जिससे आपको काफ़ी ज़्यादा ईजी हो जाएगा। इस जूस को बनाने में बिल्कुल भी आपके पैसे खर्च नहीं होने वाले हैं, मुश्किल से 40-50 रुपए खर्च होने वाले हैं। इससे ज़्यादा मुझे लगता है इतना हम लोग अफोर्ड कर सकते हैं अपनी स्किन को पाने के, क्योंकि हम लोग काफ़ी पैसा बर्बाद कर लेते हैं कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स में, बट उसमें बिल्कुल भी रिजल्ट ना के बराबर आता है। तो यहाँ पर मैं पूरी एक वीडियो लगा दूंगी कैसे कैसे हमको ये जूस बनाना है। इस जूस को बनाने के लिए आपको चाहिए होंगे थोड़ी सी पालक, मुट्ठी भर पालक। आप क्या कर सकते हैं, पालक को मतलब लेके आप चॉप करके अपने फ्रिज में स्टोर कर सकते हैं। उससे क्या है, एक हफ्ता आपकी पूरी पालक लग जाएगी, पालक चल जाएगी। तो पालक काट के आप स्टोर करके रख देना अपने फ्रिज में। तो अब हमको क्या करना है, अभी मैं एक मतलब एक ग्लास जितना मैं जूस का मैं इसका बता रही हूँ पूरा कि हमको क्या क्या चाहिए होगा। एक ग्लास जूस बनाने के लिए आपको चाहिए होगा यहाँ पर थोड़ी सी पालक चॉप की हुई। आपको क्या करना है, एक बाउल में पहले गर्म पानी दे देना है, ताकि जो पानी जो होना चाहिए वो अच्छे से गर्म होना चाहिए या बॉयल होना चाहिए। तो उस बाउल में आपको गर्म पानी लेना है, उसमें आपको चॉप की हुई पालक डालनी है, थोड़ी आपको धनिया डालनी है, वही मुट्ठी भर ही आपको धनिया डालनी है, आपको 2 आंवला डालने हैं एंड 2 गाजर, गाजर एक ही बहुत है, एक ही गाजर डालिएगा। एंड जो हल्दी आपको मार्केट में मिल जाएगी सब्जी मंडी में, जो कच्ची हल्दी है ना वो आपको मिल जाएगी, वो भी आपको चॉप करके उसमें डाल देनी है। बीट रूट भी आपको डाल देना है। इन सबको आपको अच्छे से पूरा पहले इनको ना सब्जियों को धो लीजिएगा, क्योंकि अगर वो धुली हुई नहीं होंगी ना तो वो बेकार है। तो अच्छे से आप उनको धो लीजिएगा, वॉश कर लीजिएगा गर्म पानी में। उसके बाद आपको एक बाउल में गर्म पानी देना है एंड इन सारी सब्जियों को अच्छे से मिक्स कर लेना, उसमें डाल देना है। डालने के बाद क्या करना है, आपको अच्छे से उनको प्रेस करना है, ताकि जो आपकी सारी सब्जियां जो है ना वो अच्छे से प्रेस हो जाए इसमें, ताकि वो अच्छे से मतलब डिजॉल्व हो जाए पूरी, वो डिप हो जाए पूरी पानी में। एंड उसको आपको क्या करना है, रात भर के लिए रख लेना है। ये आपको रात को काम करना होगा, क्योंकि सुबह इतना टाइम नहीं हो पाता, जल्दी हॉश पॉश में अगर ऑफिस जाते हो या और भी घर के काम बहुत हो जाते हैं,
तो सुबह इतना नहीं हो पाता, तो हम क्या करेंगे, रात को ही गर्म पानी में ये सारी सब्जियों को डिप करके रख देंगे। एंड उसको आपको स्टोर कर मतलब डू नो डिप करके रख देना है, मतलब किसी प्लेट से ढक दीजिएगा। जब ढक देंगे तब आपको क्या करना है, वो आपको सुबह क्या करना है, उन सारी सब्जियों को उसी पानी में ही अच्छे से ब्लेंड करना है। आप चाहे तो मिक्सी भी चला सकते हैं या आप ब्लेंड भी कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे हैंडी ब्लेंडर की मदद से यहाँ पर मैंने ब्लेंड किया था। अब उसको ब्लेंड कर देंगे अच्छे से तो पूरे को जूस बन के तैयार हो जाएगा। उसको आपको अच्छे से छान लेना है, छान लेने के बाद आपका एक जूस तैयार हो जाएगा। ये जो जूस है बहुत ज़्यादा हेल्दी है, क्योंकि इसमें वो सब सब्जियां हैं जो हमारे लिए चाहिए होती है, जो हमारे हार्मोन्स को मतलब बैलेंस करती है, हमारे मतलब बालों के लिए जैसे कि आंवला चाहिए होता है, हमारी स्किन के लिए पालक वगैरह जो इतनी ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स होती है ना वो चाहिए होती है, वो ये जो जूस है बहुत ज़्यादा हमारे मतलब उनको डिटॉक्स भी करेगा एंड हमारी स्किन और बालों के लिए बहुत अच्छा ये जूस है। ट्रस्ट मी, मैं खुद 1 महीने से इसको पी रही हूँ, बहुत अच्छे इसके रिजल्ट है। एंड आप चाहे तो इसमें और भी ग्रीन वेजिटेबल्स मतलब यू नो आप चाहे तो इसमें और भी ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स डाल सकते हैं, जैसे कि बथुआ हो गया या और भी जैसे हो गया मेथी हो गया, आप वो भी डाल सकते हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। बट मैंने यहाँ पे पालक और धनिया ही ली थी क्योंकि वो मेनली मिल जाती है। तो अब आपको क्या करना है, इस जूस को पी लेना है। अब इसमें आपको ना नमक डालना है ना चीनी डालना है, हालांकि इसका थोड़ा यू ना आपको अजीब लगेगा टेस्ट एक आध दिन, बट धीरे धीरे आपको आदत हो जाएगी। एंड कहीं ना कहीं अगर जब आप इसके इफेक्ट्स देखोगे ना अपने फेस पर तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। ये जूस मैं भी रोज़ पीती हूँ। एंड अब आपको इसको पीना किस टाइम है, पीना आपको सुबह खाली पेट, अगर आप लोग कंफर्टेबल है तो खाली पेट क्या करेगा, ये जूस काफ़ी अच्छे से फ़ायदा करेगा एंड आपकी जो बॉडी है उसको क्लींस करेगा, जो भी हमारे बॉडी में टॉक्सिन्स है ना उसको बाहर निकाल देगा। अगर आप खाली पेट कंफर्टेबल नहीं होना तो आप नाश्ते के बाद इसको जूस को पी लेना एंड ट्रस्ट मी, ये जूस आपको वो रिजल्ट्स देगा, वो स्किन देगा जो कि आपके आसपास किसी की इतनी अच्छी स्किन नहीं होगी जितनी आपकी स्किन इस जूस को पीने से हो जाएगी। इस जूस को बनाने में कोई आपके पैसे खर्च नहीं होने वाले, आराम से 40-50 रुपये होंगे एंड इतना कोई महंगा भी नहीं है। एंड हाँ, इसका टेस्ट आपको थोड़ा बेकार लग सकता है, बट अगर आपको इसको आदत पड़ जाएगी ना तो आप इसको आराम से ले सकते हैं। एंड ऐसा नहीं है कि इस जूस के कोई यू नो साइड इफेक्ट्स है, कोई साइड इफेक्ट नहीं क्योंकि इसमें सारी सब्जियाँ हैं। अब आप कहोगे कि इन सब्जियों को हम लोग जूस क्यों बनाए, ऐसे ही बना के खा लेते हैं, पर अगर आप ऐसे ही बनाओगे तो कितने दिन खा पाओगे, 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, आई थिंक 3 या 4 दिन के बाद आप बोर हो जाओगे। एंड अगर आप इसको सैलेड में भी डाल के लोगे तो इतना मुझे नहीं लगता कि इतना कोई सैलेड रोज़ इतना कोई खा पाएगा। खा सकता है तो बहुत अच्छी बात है, बट मैं इतना नहीं यू नो रोज़ खा सकती कि सैलेड में ऐसे बना के खाऊँ और उसमें भी सब्जियाँ कच्ची कच्ची, तो मेरे से नहीं हो पाता। तो मैं क्या करती हूँ, इन सबको अच्छे से जूस बना लेती हूँ। आपके पास अगर कोल्ड प्रेसर जूस है ना तो बहुत अच्छा है, बट मेरे पास वो नहीं है। तो मैं क्या करती हूँ, ब्लेंडर से इसको अच्छे से यू नो मैश कर लेती हूँ एंड इसका इस तरीके से उसको छान के पी लेती हूँ। काफ़ी अच्छा है, आप इसको 1 महीना करके देखो, आपकी स्किन में मतलब बहुत अच्छे आपको इफ़ेक्ट्स देखने को मिलेंगे एंड काफ़ी अच्छा है ये जूस। पीने में उतना अच्छा नहीं है, ट्रस्ट मी, पीने में तो ऐसा लगता है कि यार चलो ठीक है जैसे जैसे मुंह में डाल दो, बट उसके बाद आपको इसके इफ़ेक्ट्स देखने को मिलेंगे ना अपनी स्किन पे, ट्रस्ट मी बहुत अच्छी हो जाएगी आपकी स्किन। जो भी आपकी स्किन की प्रॉब्लम्स है ना, पिम्पल्स हो गई, झाइया हो गई, पिगमेंटेशन हो गई, मेलास्मा हो गया या रिंकल्स हो गए, ये सब प्रॉब्लम आपकी दूर हो जाएगी। एंड ये जो डिटॉक्स करता है हमारी बॉडी को, तो इससे क्या है हमारे फेस की तो स्किन अच्छी होगी होगी, हमारी जो पूरा ओवरऑल बॉडी भी है वो भी काफ़ी अच्छे से काम करेगी। तो आई होप ये जो जूस है वो आप बना के देखिए एंड ट्रस्ट मी, इसका टेस्ट अच्छा नहीं है, मैं खुद ये बात कह रही हूँ, बट ये जो आपको इफेक्ट देगा ना आपकी बॉडी पे वो बहुत अच्छे मिलेंगे। तो आई होप ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा आपके लिए हेल्पफुल रहेगी एंड जब भी आप ट्राई करें ना अपने घर पे ये जूस, तो मुझे ज़रूर यू नो कमेंट पे लिख के बताइएगा कि आपको ये कैसा लगा। कैसा लगा तो मत बताना क्योंकि बहुत गंदा लगेगा, ये तो मुझे ही पता है, बट एक बार ट्राई करना, 1 महीना, ज़रूर आपको रिजल्ट अच्छे देखने को मिलेंगे। आई होप काफ़ी हद तक हेल्पफुल रही होगी ये वीडियो। कुछ भी अगर डाउट रह जाता था तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में लिख के पूछ सकते हैं, मैं डेफिनेटली आंसर करने की पूरी पूरी कोशिश करूँगी। तो चलिए आज के वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।